जब हमारे ब्रेन के सेल्स डेवलप हो जाते हैं, एम्पल सेक्शन 2B के सेल्स डेवलप हो जाते हैं, तब सेक्शन 3 के डेवलप होना शुरू होते हैं, तब आपके ब्रेन में धारणा और ध्यान होना शुरू होता है। लेकिन उसके लिए आपके ब्रेन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट डोमिनेंट क्वेश्चन होता है, आखिर मेरे गुरु को क्या पता है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी मैंने, भीम और हनुमान दोनों एक तरह से भाई थे, पता है? हनुमान पैदा हुए थे जब पवन ने बीज डाला अपना अंजनी में, प्रेग्नेंट हो गई, तो पवन पुत्र थे हनुमान, अंजनी। और यहां पर कुंती, कौन कुंती? कौन? उसकी पांडवों की मां कुंती ने सम्मन किया वायु को, उनको एक मंत्र मिल गया था तो उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम, मुझे एक बच्चा चाहिए। कुंती को अपने हस्बैंड से बच्चे नहीं हो रहे थे, पांडु से बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए जो सबसे पहला बच्चा था वो तो था कर्ण, उसको तो छोड़ दिया। उसके बाद देवताओं को बुलाकर एक एक देवता से एक एक बच्चे पैदा किए, एक से युधिष्ठिर हुए, दूसरे से भीम हुए, और दूसरा देवता कौन था? पवन। तो भीम और हनुमान दोनों तकरीबन भाई जैसे थे, लेकिन भीम डिजायर से पैदा हुए थे, कुंती को डिजायर थी कि मुझे एक बच्चा चाहिए, लेकिन वहां पर अंजनी को कोई डिजायर नहीं थी, वो डेस्टिनी से पैदा हो गए। हनुमान जब पैदा हुए वो कोई राजकुमार नहीं थे, किसी प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं किया, उनकी पूरी लाइफ कैसे भी थी, एज अ डिवोटेड टू राम, वो अपने आप को भगवान राम का सेवक बोलते थे।